जब आप कोई दायित्व उठाते हैं तब आपकी प्रतिभा खिल उठती है। अब जीवन की ओर देखने का एक असीम तरीका है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इसे किए जाने की जरूरत है और जो अपना सब कुछ लगाकर इसे करेंगे वो पूर्णता को प्राप्त होंगे। नमस्कारम सद्गुरु। सद्गुरु, मेरे पिता एक दक्षिण भारतीय हैं और उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब था। जब नदियों के लिए रैली हुई तो मैंने उसमें सेवा दी थी। मेरे पिता बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, ये वो नहीं है जो तुम करना चाहते हो। और वे चाहते थे कि मैं आपसे पूछूं कि एक संतान के रूप में अपने माता पिता के प्रति मेरा क्या दायित्व है। और मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। जीवन में करने के लिए कोई सही काम नहीं है। अगर आप कुछ चुनते हैं और उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं तो ये एक महान बात बन जाएगी। क्या ये सही चीज है? क्या ये सबसे अच्छी चीज है? जब आप कहते हैं क्या ये सही चीज है तो आप ये पूछते हैं क्या जीवन में करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज है। जीवन में करने के लिए कुछ भी सबसे अच्छी चीज नहीं है। आप कोई काम हाथ में लेते हैं और अगर अपना दिल और आत्मा उसमें झोंक देते हैं तो वो एक महान चीज बन जाती है। क्या ये सबसे अच्छी चीज है? नहीं। तब सबसे अच्छी चीज क्या है? ऐसी कोई चीज नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है। और अब जब आपके माता पिता के प्रति आपके कर्तव्य हैं तो बताइए, क्या ये आपके लिए है या आपके माता पिता के लिए है या किसी और के लिए? खुद की ओर एक दिल्लीवासी या एक मूर्ख के तौर पर मत देखिए, या जो भी आप खुद को कहना चाहें। आप बस जीवन का एक टुकड़ा हैं। हेलो, और आज आप यहां हैं, एक दिन आप पुफ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस जीवन और हर एक जीवन के लिए आपका कर्तव्य क्या है? कृपया मुझे बताइए। इसे पूरी तरह से जीना। पूरी तरह जीने का क्या मतलब है? इस पल का आनंद लेना। आप एक संक्षिप्त जीवन हैं, आप एक छोटा सा जीवन हैं। मैं चाहता हूं आप इसकी कल्पना करें। आपने उन कीड़ों को देखा है जो बारिश होने पर आते हैं, वे चींटें जो उड़ते हैं। मान लीजिए आप वो होते, आपका जीवन बस शुरू ही होता और पुफ खत्म होता। आप वही हैं। आपके जीवन काल की तुलना में कीड़े का जीवन कितना बेमतलब लगता है, और पुप 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 और खत्म। नदियां भी आपके बारे में यही सोचती हैं, पुप 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 और खत्म। सुनो, कंपेयर टू देयर लाइफ स्पैन यू आर Just like that insect or less than that insect, isn't it so? उनके जीवन काल की तुलना में आप सिर्फ एक कीड़े की तरह हैं, या फिर उससे भी कम। क्या ऐसा नहीं है? पर आप नहीं जानते कि कीड़ा क्या सोच रहा है। लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ आप ये सोच कर देखें, ये एक छोटा सा जीवन है आपके और आपके पिता दोनों के लिए। और आप कभी इस दक्षिण भारतीय मूल को नकारात्मक तरीके से ना देखें। मानो दक्षिण भारतीय पिता कोई भयानक घटना हो। अपने पिता से कहना, मैंने उनके दक्षिण भारतीय मूल का बचाव किया। इस संस्कृति में लोग एक बेटे के लिए बेताब रहते थे, इसलिए नहीं कि उनके पास चलाने के लिए कोई राज्य था, बल्कि इसलिए कि वे मानते थे कि अगर उनका एक बच्चा होगा, क्योंकि बेटी की शादी हो जाएगी और वो कहीं और चली जाएगी, अगर बेटा हो तो वो उनके पास रहेगा और वो पक्का करेगा कि उनके मरने से पहले वो उन्हें काशी ले जाएगा या उन्हें सही जगह ले जाएगा और देखेगा कि उन्हें मुक्ति मिले। यही जीवन की पूरी प्रक्रिया है। क्योंकि हमने जीवन की प्रक्रिया को देखा, ये उल्लास से कुछ देर इधर उधर उड़ता है और पुफ
यह अपने आप में एक जाल है। मान लीजिए आपको 100 जन्म याद आ गए जिनमें आप आए, इधर उधर भटके, प्रेम में पड़े, संतानें पैदा की, दक्षिण भारतीय या उत्तर भारतीय। और कायांत स्थानम, मान लीजिए आपको इस तरह की 100 घटनाएं याद आ गईं, तब क्या ये अर्थहीन हो जाएगा? याददाश्त न होने के कारण सब कुछ ताजा दिख रहा है। हाँ, तो अपने और आपके पिता के प्रति आपका मौलिक कर्तव्य बस इस बात को याद दिलाना है। तो क्या आप सही चीज कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये किया जाना चाहिए, और जो अपना सब कुछ लगाकर इसे करेंगे वो पूर्णता को प्राप्त होंगे। मैंने कभी ये बहस नहीं की क्या मेरे जीवन में करने के लिए ये सही काम है। What was needed, I jumped into it. जिसकी भी जरूरत थी मैं उसमें कूद पड़ा, क्योंकि अगर आप एक कुंठित जीवन है तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, मुझे किस बात का उत्साह है, मुझे किस बात का उत्साह नहीं है। आखिर आप हर चीज के लिए उत्साही क्यों नहीं है? हेलो, आप अस्तित्व में हर चीज के बारे में उत्साही क्यों नहीं हैं? आप सिर्फ एक चीज को लेकर उत्साही हैं। इसका क्या मतलब है? आप कुंठित हैं, इसका यही मतलब है। तो देखिए, मूर्ख वे चीजें करते हैं जो करना उन्हें पसंद नहीं है। वे जीवन भर दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत है या ये उनका कर्तव्य है। बुद्धिमान लोग वो करते हैं जो करना उन्हें पसंद होता है। वो कुछ हद तक अपने जीवन का आनंद लेते हैं, पर एक जीनियस व्यक्ति वो करना सीखता है जिसकी जरूरत है आनंदपूर्वक। तब आपकी प्रतिभा खिल उठती है, क्योंकि अब ये आपके बारे में नहीं रह जाता, अब जीवन की ओर देखने का तरीका असीम हो जाता है। इसलिए इस रैली का हर एक पहलू या दूसरी कई चीजें जो हमने की हैं, मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ता कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ चीजें हां, बाकी सब मैं उसे अपने मन में बना लेता हूं और मुझे पता होता है कि ये होना चाहिए और ये होगा। Not because. इसलिए नहीं कि मैं दुनिया पर अपनी इच्छा थोप रहा हूं, क्योंकि मैं तो बस दुनिया की इच्छा पूरी कर रहा हूं, बस यही।